नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। कानपुर नगर निगम में एक बार फिर विवाद हो गया। इस बार महापौर प्रमिला पांडे ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल नगर निगम में तैनात किए गए अधिवक्ता को हटाने को लेकर महापौर और जोन 5 के जोनल अधिकारी सुरण सिंह आमने सामने आ गए हैं। इसको लेकर महापौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला फजलगंज जोन 5 में स्थित भारतीय कंटेनर निगम पर हाउस टैक्स का है, जिसके ऊपर करीब 4 करोड़ रुपए बकाया है, जो मामला हाईकोर्ट चला गया है। महापौर ने बताया कि यह मामला हाईकोर्ट में है, जिसकी पूरी पैरवी पैनल के वकील राधेश्याम पांडे कर रहे थे, जिनको अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बदल दिया गया है और दूसरे वकील को राधेश्याम पांडे की जगह चैनल पर बैठा दिया गया, जिससे जो पैसा नगर निगम को मिलना था वो अब रुक जाएगा। महापौर ने नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के सभी 6 जोन में उन्हें समस्या आ रही है। अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली की वजह से नगर निगम को करोड़ों रुपए रेवेन्यू का लॉस हुआ रहा है। बड़ा चौराहा स्थित जेड स्क्वायर मॉल प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद मॉल को सील कर करीब 2 करोड़ रुपये वसूल लाई थी। कानपुर से जुबैर खान की खास रिपोर्ट। परेशान इसलिए होते हैं कि हमारा चेपर पे बैठा नहीं रहेगा आपकी तरीके से कि नरीश पर सीधे लाट है उसके आपके पास को शिकायत करा दिया। 12 अपीलें दिया, शिकायत करा दिया, हमने लिख के दिया है श्रीमान जी, उसके सर्टिफाइड का भी दिया, जवानी का बात नहीं। बहुत ज्यादा बढ़ गया था पिछले, आपको कुछ सीजन दिया था जोन का अगर वो झूठा है तो जोन का बताएगा। जोन है कि आपसे मतलब कोई भी हमारा इशारा जाता है आपको आपका इशारा जाता है।